हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर। देखिए, लगातार बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि आखिर इसका जो है एग्जाम, री एग्जाम कब तक हो सकता है। मैंने काफी बच्चों से बात करी तो कुछ कह रहे हैं कि लगभग 6 महीने सर लग जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 1 साल लग जाएगा, क्योंकि बच्चे ये प्लान करके चल रहे हैं जब डेट आए तो मैं जो है वो एग्जाम की मतलब तैयारी करना शुरू करूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है, बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, मतलब जीए ज्यादा पढ़ना है, मैथ ज्यादा पढ़ना है, तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा आपको सोल्यूशन देने की। और साथ ही साथ मैं एक भी हो, तो अगर आपको कोई भी अपना ITR या PF या GST कोई भी आपका या फिर आपके कोई रिलेटिव का काम होता है, जैसे ITR है, PF है, GST, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अपना बहुत ही कम चार्जेस पे काम अपना करवा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर जो है वो एग्जाम कब तक हो सकता है और तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया, आप एग्जाम की डेट जो है वो फ्यूचर में जो भी आएगी तो आप उसका वेट मत करो, अभी से जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। और सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो मैथ और रीजनिंग पे करना है। रीजन क्या, क्योंकि एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, क्योंकि होता क्या कि हिंदी है, GS है, आप कुछ कम टाइम में भी ज्यादा याद कर लोगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। मतलब हर एक टाइप के कम से कम 20 से 25 सवाल आपको लगाने ही पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप अच्छे से कर पाओगे। होता क्या, GS हम लोग तो फटाफट जो है वो अच्छे से याद भी कर लेते हैं, या फिर कोई वीडियो देख लिया तो भी आपको याद हो जाता है। तो आपको दिन में जो है वो मैथ और रीजनिंग की जो है खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ फिर हिंदी और GS को भी लेकर चलना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम लोग GS ज्यादा पढ़ें, तो भाई ऐसा नहीं है, सबको बैलेंस लेके आपको पढ़ना है। क्योंकि होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके क्वेश्चन के ज्यादा नंबर है, ऐसा तो है नहीं, सबका इक्वल मार्क्स है। तो आपको, मेरी तो राय है कि आप मैथ और रीजनिंग इसकी खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पर गया बिल्कुल सॉलिड नंबर है। GS में क्या होता है कि मान लो पूछा अकबर का जन्म कब हुआ, अब आपको 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है आपका, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं हो सकता। जो भी फॉर्मूला आपने लगाया उसका आंसर बन जाएगा, आंसर देखिए और टिक लगा दीजिए। तो ये जो है वो आपके काफी स्कोर मतलब कह सकते हैं कि अचीव करवा देंगे आपको, और अच्छी रैंक आपको दिलवा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आखिर एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो बहुत ज्यादा संभावना है आपके जून और जुलाई में, ठीक है। जैसे ही आपका इलेक्शन कंप्लीट होगा तो तुरंत जो है वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से पहले या 10 दिन पहले आपको बस इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई ये री एग्जाम डेट है, आप जो है वो एग्जाम देने आ जाइए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। जून जुलाई में उम्मीद है कि बहुत ज्यादा, अभी ऑफिशियली तो नहीं आया, लेकिन जून जुलाई तक आप मान के चलिए कि इसकी एग्जाम डेट जो आराम से आ सकती है। और बहुत दिन पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, 6 से 7 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बाकी अगर आपको ITR, PF या GST का कोई भी काम हो तो जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।